your Bibles quickly. Deuteronomy 11, verse 17. और जल्दी से अपने भाई बहन निकालेंगे व्यवस्था उनका 11वां अध्याय उसका 17वां वचन. See what the word of God says. और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है. I'll just read a part of it. If there be no rain, the land will yield no produce. अगर कोई बारिश ना हो तो जमीन कोई फसल पैदा नहीं करेगी. Notice what it says. और गौर करें वचन क्या कहता है. If there is no rain, अगर कोई बारिश ना हो. In the Amplified it says. Amplified संस्करण में कहता है. The land will not yield its fruit. तो जमीन अपनी उपज को नहीं उपजाएगा. Say it after me. If there is no rain, say it in Hindi. सभी लोग कहें अगर कोई बारिश ना हो. जोर से बोलो अगर कोई बारिश ना हो. There will be no fruit. तो कोई फल नहीं आएगा. Listen very carefully. तो बड़ी सावधानी से सुनो. Rain in the physical. और देखिए भौतिकता में बारिश is connected to bearing fruit in the natural. और ये भौतिकता में फल लाने से जुड़ी हुई है. If you turn with me to the book of Haggai, chapter 1 and verse 10. अगर आप निकालेंगे हगे के पहले अध्याय के 10वें वचन में. See what it says. और देखो वचन वहाँ क्या कहता है. The heavens above withhold the dew, withhold the rain. The earth withholds the fruit below. और ऐसा कहता है कि आसमान जो है अपनी बारिश को बरसाएगा और फिर जमीन जो है अपनी फसल को यानी अपने फल को उपजाएगा. Listen very carefully, my friends. और मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए. If there is no rain on a natural land, अगर देखिए भौतिक जमीन में कोई बारिश ना हो, there is no fruit on the land. तो जमीन में से कोई फल यानी उपज नहीं आएगा. There are two kinds of rain. Write it down. और लिख लो दो प्रकार की बारिशें हैं. One is the physical rain. और एक जो कि भौतिक बारिश होती है. Which we see. जिसे हम देखते हैं. And another is the spiritual rain. और दूसरी होती है वो है आत्मिक बारिश. These two things are important in a person's life. और एक व्यक्ति की जिंदगी में ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं. Both the physical और ये भौतिक बारिश. And the spiritual rain और आत्मिक बारिश. Hallelujah. बोलो hallelujah. You know, I was preparing for the service right from the morning. और जैसे सुबह से ही मैं इस सभा के लिए तैयारी कर रहा था. And I'm just flying to the airport, going to the airport right now. और इसके बाद मैं सीधे एयरपोर्ट जाने वाला हूँ. Please listen carefully. और ध्यान से सुनिए. The Holy Spirit said. Today, this morning. और पवित्र आत्मा इस दोपहर हमसे कहता है. Everyone sitting over here. हर कोई जो यहाँ बैठा हुआ है. You are going to experience the rain of the Holy Spirit today in your life in Jesus. और आप अपनी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा की बारिश का अनुभव करने वाले हैं आज. Early in the morning, I sense the power of God coming upon me very strongly. और सुबह तड़के मैंने महसूस किया प्रभु की सामर्थ बड़े भारी तौर पे मुझ पर उतरता हुआ. Something big is going to happen today in your life in Jesus' name. और कुछ तो बड़ा आज आपकी ज़िंदगी में होने वाला यीशु के नाम में. Hallelujah. बोलो hallelujah. Lift your hands. अपने हाथों को उठाकर बोले रूह की बारिश मुझ पर आने दे यीशु के नाम से. परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने जा रहा हूँ. हालेलुया. बोलो हालेलुया. लेट मी गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय मैसेज राइट नाउ. और मेरे संदेश के दूसरे भाग में मैं जाऊं. आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक नॉनसेंस. आई वांट टू स्पीक द वर्ड. और मैं कुछ ऐसे वेदों की बातें नहीं कहना चाहता. मैं वचन सिखाना चाहता हूं. गो टू आइज़ाया चैप्टर 30 and verse 23. और आइए इस समय निकालेंगे यशायाह का अध्याय 30 उसका 23वां वचन. It says your ears, somebody repeat after me, your ears shall hear a word behind you saying this is the way, walk in it wherever you turn. Somebody shout turn to the right hand and wherever you turn to the left. और देखिए वचन ऐसा कहता है और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है इसी पर चलो. हालेलुया. बोलो हालेलुया. You know, I was when I turned to the Lord. और जब मैं प्रभु की ओर मुड़ा. You see, friends, please listen to me carefully. और दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात. Preaching is easy. और प्रचार करना बहुत आसान है. It's very easy. बहुत ही आसान है ये. But after preaching, what happens? मगर प्रचार करने के बाद क्या होता है? That is important. ये मायने रखने वाली बात है. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Hello. बातें कोई भी कर सकता है. दुनिया के लोग हमसे ज्यादा अच्छे बातें कर सकते हैं. But Paul says, सिर्फ मैं बातों से तुम्हारे पास नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे पास सामर्थ से आता हूँ. पौलुस कहता है कि मैं सिर्फ शब्दों और बातों के जरिए तुम्हारे पास नहीं आता, मगर परमेश्वर की सामर्थ के साथ तुम्हारे पास आता हूं. Today, if what we need is not just talk, 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 we need the power of God in our lives. Hallelujah. आज जो हमें जरूरत है वो सिर्फ शब्द बातें 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 नहीं, मगर ये परमेश्वर की सामर्थ है जिसकी हमारे जिंदगी में जरूरत है. We need this rain. और हमें ये बारिश चाहिए. For long, people, Christians have only been talking. हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोगों को ऐसा करना है. Listen, friend.
बातें बोध हो गई. Our lives must show, reflect and bear fruit for the glory of God. और बहुत लंबे समय से मसीह से बात करते आए हैं कि हम ऐसा करेंगे. बातें बहुत हो गई, मगर हमारी जिंदगी जो है परमेश्वर की सामर्थ का प्रतिरूप होना चाहिए, उसकी सामर्थ का प्रदर्शन होना चाहिए. I want to challenge everyone over here. और यहां आए हर एक लोगों को मैं चुनौती देता हूं. You are not an ordinary person. आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो. God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है. God has called you from the darkness into the light. परमेश्वर ने आपको अंधकार में से अपने उजाले में बुलाया है. You leave this place. और जब इस जगह से आप निकलेंगे, you must bring a change wherever you go. तो जहां कहीं आप जाते हैं वहां पर आपको एक बदलाव लाना चाहिए. Somebody shout hallelujah. कुछ लाएगा हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. I'm encouraging you church. और कलीसिया मैं आपका उत्साहित करता हूं. Today your church may be 20 people, 30 people, but I tell you for the glory of God. हो सकता है आज आपकी कलीसिया में सिर्फ 20 लोग या 30 लोग आते हो, मगर परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं. Mark my words. और देखना जो मैं कहता हूं. There will be no place in your church. आपकी कलीसिया में कोई जगह नहीं बचेगी. Hallelujah. Don't just sit like that. और ऐसा मत बैठे रहो. I didn't do makeup and I came. I prayed for everyone and I came over here. और मैं सिर्फ सज-धज कर यहां पर नहीं आया हूं, आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करके मैं यहां आया हूं. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Lift your hand and shout hallelujah. अपने हाथों से चिल्लाओ हालेलुया. If you're a businessman, अगर आप कोई व्यवसायी हो, your business should expand. आपका व्यवसाय फैलना चाहिए. Your business should be a blessing to the church. आपका व्यवसाय जो कलीसिया के लिए आशीष बनना चाहिए. When it will happen? कब यह होगा? When the rain comes on you. जब बारिश आपके ऊपर आएगी. Somebody lift your hand and say rain of the Holy Spirit. कोई अपने हाथों से कहेगा पवित्र आत्मा की बारिश. How this rain will come? और कैसे यह बारिश आएगी? See what it says. और देखो वचन क्या कहता है. The first thing. पहली चीज. When you turn. जब आप मुड़ते हैं, wherever you turn, जहां कहीं आप मुड़ते हैं, when you listen to the word, जब आप वचन सुनते हो, and you respond to that word, और उस वचन को आप जवाब देते हैं, that's what is called repentance. और यही कहलाता है पश्चाताप करना. What is repentance? पश्चाताप क्या है? Simple. आसान. Turning from the world to the word. दुनिया से वचन की ओर मुड़ जाना. My definition of repentance. और मेरे पश्चाताप की परिभाषा यह है. See, it says you will hear a word. और देखो वचन कहता है यहाँ पर कि तुम वचन सुनोगे. When you listen to that word. जब आप उस वचन को सुनते हैं. And you say yes. और आप कहते हैं हाँ. I've got to respond to that word. मुझे इस वचन को जवाब देने की जरूरत है. बहुत हो गया यार, अभी बहुत मस्ती कर लिया. बहुत हो गया, बहुत मस्ती कर लिया. God is talking to me now. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है. Let me just turn now. चलो अब मैं थोड़ा मुड़ जाता हूं. Wherever the word is speaking right now. जहां कहीं वचन बोल रहा है इस वक्त. That is repentance. यह है पश्चाताप करना. Turning from the world to the word. दुनिया से वचन की ओर मुड़ जाना. सबने बोलो दुनिया से. बोलो दुनिया से वचन की ओर. वचन की ओर. Turning to the right, turning to the left, wherever God is telling you, better turn left, कर turn right मार. जो तू बोलेगा प्रभु मैं वो करूंगा. हालेलुया. दाएं और या बाएं और जहां परमेश्वर से मुड़ने को कहता है आपको वो करना है. It may sound very silly. और भले ये बहुत पागलों जैसा सुनाई पड़े. People may laugh at me. लोग मुझ पर हंसेंगे. But Lord, मगर प्रभु, I will do your word today. मैं तेरे वचन का पालन करूंगा आज. मैं इतना अच्छा दिखता नहीं हूं. मैं इतना अच्छा नहीं दिखता. I'm not so educated. मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं. No problem. कोई बात नहीं. Whatever the word says. जो कुछ भी वचन कहता है. I will do it. मैं उसे करूंगा. Somebody lift your hand and say I will do it. कोई अपने हाथ उठाकर कहे मैं करूंगा. Now read verse 23 right now. अब 23 वचन को पढ़ो इस वक्त. We want to finish and pray right now. हम खत्म करके प्रार्थना में जाएंगे. See everyone, verse 23. देखो. जब आप दुनिया से वचन की ओर मुड़ जाते हैं तब प्रभु ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे बीच पर बारिश उड़े लूंगा. Whenever there is a turning from the world to the word, God will bring rain on your seed. Hallelujah. जब कभी देखे दुनिया से वचन की ओर मुड़ जाने की प्रक्रिया होती है तब परमेश्वर आपके बीच के ऊपर अपनी बारिश को लाएगा. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Friends, listen to me carefully. दोस्तों मेरे ध्यान से सुनो. Today, आज, don't take this conference lightly. और इस सम्मेलन को हल्के में मत लो. Don't take this conference lightly at all. इस सम्मेलन को बिल्कुल हल्के में मत लो. God has chosen you to be over here today. परमेश्वर ने आपको चुना कि आज आप यहाँ हो. You know, Pastor Ajay and many of us, we were praying, say, God, bring the right people for this conference. पासवान अजय और हम बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस सम्मेलन में सही लोगों को ले आ. Hallelujah. बोलो Hallelujah. हॉल तो कोई भी भर सकता है, लेकिन खुदा ही सिर्फ सही लोगों को लेकर आ सकता है. और तो कोई भी भर सकता है, मगर खुदा ही सही लोगों को ला सकता है. हेलो. देन when there's a turning away. और कब जब मुड़ जाने की प्रक्रिया होती है. He will give rain for your seed. तब वो आपके बीच पर अपनी बारिश को डालेगा. Whatever you sow in the ground. और जो कुछ भी आप फिर खेत में बोएंगे. There will be increase. उससे बढ़ोतरी आएगी. Somebody say praise the Lord. कोई कहे प्रभु की स्तुति हो. जिस चीज में तुम हाथ डालोगे उस चीज में बढ़ोतरी आएगी. जहां पर तुम जाओगे वहां पर आशीष आएगी. बोले लोग बोलेंगे यार ये करता कैसा है यार, क्या खाता है ये, खाता पीता कुछ नहीं है. लेकिन जब प्रभु एक शब्द बोलता है तो वो शब्द को सुनकर वो इमीडिएटली उसे बोलता है मैं करूंगा प्रभु. हालेलुया. बोलो हालेलुया. आई सेड हालेलुया. हम कह रहे हालेलुया. द फर्स्ट वन. पहला. लुक एट मी. देखो यहां. Repentance. पश्चाताप करना. द सेकंड वन. दूसरा है. क्विकली कैन वी गो इनटू द वर्ड. जल्दी समझाएंगे आगे. एंड आई फिनिश राइट नाउ. गो विद मी टू द बुक ऑफ ज़कर्याह.
और निकालिए इसे ज़करिया की पुस्तक में. नो सॉरी ज़करिया, यस ज़करिया 14:17 क्विकली. और निकालिए जल्दी से ज़करिया की पुस्तक में उसका 14वां अध्याय 17वां वचन. आई गॉट 3 मिनट्स रिमेनिंग. 3 मिनट बचे हमारे पास. ज़करिया 14:17. ज़करिया का अध्याय 14 उसका 17वां वचन. डोंट वरी आई विल ओनली टेक 20 मिनट्स. हालेलुया. सी व्हाट इट सेस. एंड इट शल बी. The first one is repentance. Everyone say repentance. सबसे पहला जो है वह है पश्चाताप करना. जोर से बोलिए पश्चाताप. बोलो पश्चाताप. Hallelujah. Second one. Zechariah 14:17. And it shall be that whichever of the families of the earth do not come up to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, on such people, on them there will be no rain. और देखिए वचन कहता है और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए नहीं जाएंगे उनके यहाँ ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ बारिश नहीं होगी. सबने बोलो जो दंडवत नहीं करेंगे. जो दंडवत नहीं करेंगे. जो वर्शिप नहीं करेंगे. जो आराधना नहीं करेंगे. जोर से बोलिए. जो आराधना नहीं करेंगे उन पर क्या नहीं होगा? बारिश नहीं होगा. चर्च प्लीज डोंट फील बैड. और कलीसिया बुरा मत मानना. आई हैव बीन टू मेनी कॉन्फ्रेंसेस. और बहुत सारे सम्मेलनों में भाई गए हैं. व्हेन वर्शिप इज गोइंग ऑन. जब आराधना चल रहा होता है. यू नो हाउ पीपल. अब जाते लोग कैसे होते हैं? यहां वहां देखते जाते रहते हैं. SMS, WhatsApp. और भाई लोग गा रहे हैं, बहन लोग गा रहे हैं, फाड़ फाड़ के गला फाड़ के भाई लोग SMS चेक कर रहे हैं. हेलो मैं मिलता हूँ. अरे शाणे क्या बात कर रहा है तू? किसकी उपस्थिति में खड़ा है तू? खुदा की उपस्थिति में खड़ा है. बाहर जाके बात कर. प्रभु हमारे बीच में है. Are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? Don't feel bad. बुरा मत मानना. One day some Americans came to our church. और कुछ अमेरिका के निवासी लोग आए हमारी कलीसिया. They came to say, we'll see Pastor Michael. Said, see, they're sitting on the church in the church. आकर कलीसिया में बैठे. That lady is sitting. और एक महिला आके बैठी. He's sitting with his wife like that. I told him, Pastor, sit properly, otherwise please get out. और मैंने उनसे कहा कि पासवान जी सही तरीके से बैठो नहीं तो बाहर जाओ. He told me after the meeting. और सभा के बाद उन्होंने कहा मुझसे. You are rude. I said I can be more rude than that because my God is here. तुम बहुत कठोर हो. तो मैंने कहा कि मैं और भी ज़्यादा कठोर बनूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर यहाँ है. ड्रामा तेरा हॉलीवुड में बता. ये कलीसिया है प्रभु का. हालेलुया. कितने लोग सुन रहे हैं? मैं बोला तुझे इधर में मीटिंग में इसलिए नहीं बुलाएगा कि ताकि डॉलर इज नॉट ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी. हालेलुया. डॉलर जो है सर्वशक्तिमान नहीं मगर परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. I want to tell all the youngsters. सभी नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं. I want to tell everybody over here. और यहां सभी लोगों से कहना चाहता हूं. The Bible clearly says. बाइबल साफ तौर पे कहती है. If you don't worship the king. अगर आप राजा की आराधना नहीं करेंगे. If you do style. और अगर आप स्टाइल करेंगे. ताथैया कुछ नहीं होने वाला है. खाली हवा हवा. कुछ नहीं होगा सिर्फ हवा रहेगा. हवा आई हवा गई. कॉन्फ्रेंस हुआ कॉन्फ्रेंस गया. ऐसे हजार कॉन्फ्रेंस होते हैं. बट इफ यू टुडे हंबल योरसेल्फ एंड से लॉर्ड यू आर द किंग आई विल वर्शिप यू. हालेलुया. अगर आज आप अपने आप को नम्र करें और कहें कि प्रभु तू राजा है मैं तेरी आराधना करूंगा. एंड व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड और आप प्रभु की आराधना करेंगे द रेन विल कम ऑन यू. और फिर उसके बाद बारिश आप पर आएगी. द बाइबल सेज द रेन विल कम ऑन योर फैमिली. हालेलुया. बाइबल ऐसा कहती है कि बारिश आपके परिवार पर भी आएगी. हालेलुया. द वुमन हु वाज द केनानाइट वुमन. और वो महिला जो कनानी महिला थी. One woman, she went to Jesus. और एक महिला यीशु के पास गई. And she knelt down before Jesus. और उसे जाकर यीशु के सामने घुटने टेकी. Rain came on her. उसके ऊपर बारिश आई. Rain came on her family. उसके परिवार पर बारिश आई. The woman was at her daughter was at home. उसकी बेटी जो घर में थी. She received the deliverance. Hallelujah. उसे छुटकारा मिल गया. Hallelujah. Today you are going to worship here. Somebody at home is going to receive the deliverance from God. Hallelujah. और कोई तो घर पर जो है परमेश्वर से छुटकारा पाएगा. Hallelujah. हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम बेवकूफ नहीं है. हम गरीब भले हो सकते हैं लेकिन हम बेवकूफ नहीं है. Hallelujah. बोलो हालेलुया. I want to challenge you, sir. श्रीमान मैं आपको चुनौती देता हूँ. I'm not talking about money. और मैं पैसों के लिए नहीं कह रहा. I'm talking about worship. मैं आराधना के बारे में कह रहा हूँ. Young people. नौजवानों. Tremble before God. परमेश्वर के सामने कांपो. Lift your hands today. आज अपना हाथ उठाइएगा. And say, Oh God. और बोला हे परमेश्वर. I worship you. मैं तेरी आराधना करता हूँ. Not for what you can give me, Oh God. और जो मुझे तू दे सकता उसके लिए नहीं. Not for what you can give me, Oh God. और जो कुछ तू मुझे दे सकता उसके लिए नहीं. But because of who you are. और इसलिए क्योंकि तू कौन है. Somebody lift your hand and shout Jesus. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Listen. सुनो. You may be senior pastor. और आप कोई वरिष्ठ पासवान हो. You may be thrown out of church also. या हो सकता है आपको कलीसिया में से खदेड़ के निकाल दिया गया हो. But mark my words. मगर देख लेना. They that worship the king. जो राजा की आराधना करेंगे. There will be rain on them. उनके ऊपर बारिश होगी. Lift your hand and say rain of the Holy Spirit. Hallelujah. हाथ उठा के बोले पवित्र आत्मा की बारिश. Hallelujah. 30 seconds remaining. 30 सेकंड बचे हैं. God with me to Zechariah. निकालिए Zechariah. I will preach the word and go. Hallelujah. वचन प्रचार करके ही जाऊंगा. Zechariah chapter 10 verse 1.
जकरिया का अध्याय 10 का पहला वचन. फर्स्ट वन इज रिपेंटेंस, सबसे पहला है पश्चाताप करना. सेकंड इज वर्शिप, दूसरा है आराधना. एंड द थर्ड वन, और तीसरा, यू हैव टू आस्क, आपको मांगना है. इन गॉड्स किंगडम, परमेश्वर के राज्य में, एवरीथिंग कम्स बाय आस्किंग, और सब कुछ मिलता है मांगने से. द पीपल, द स्ट्रांगेस्ट पीपल आर दोस पीपल हु नो टू आस्क, और मजबूत लोग वो होते हैं जो जानते हैं मांगने को. वेदर यू आर पुअर, चाहे आप गरीब हो. वेदर यू आर ओल्ड, चाहे आप बूढ़े हो. डस नॉट मैटर, मायने नहीं रखती. ओपन योर माउथ एंड आस्क, अपना मुंह खोल के मांगो. हालेलुया. हाउ विल द रेन कम, कैसे बारिश आएगी? आस्क द लॉर्ड फॉर रेन, प्रभु से बारिश के लिए मांगो. एंड गॉड विल गिव यू द शावर्स, और फिर उसके बाद परमेश्वर जो है बारिश देगा. इफ यू स्टैंड लाइक दिस, अगर आप ऐसे खड़े रहेंगे, प्रभु बोलेगा छोड़ इसको, मैं उधर जाता हूं. हालेलुया. इसीलिए कभी कभी प्रभु जो है चर्च छोड़कर बाहर गलियों में जाता है कि कौन उसे पुकारे. कितने सुन रहे? प्रभु आराधना ने छोड़कर गलियों में जा रहा था, वहां पर एक बार्तिमियस मांग रहे प्रभु. सब लोग कपचुप चल रहे थे स्टाइल में. बार्तिमियस बोले छोड़ रहे तुझी स्टाइल में, बोलो तो यीशु लास. बार्तिमाय ने कहा तुम्हारे स्टाइल छोड़ो, मैं यीशु का बुलाऊंगा. कोई कोई लोग स्टाइल में प्रार्थना करते, हालेलुया. ए क्या स्टाइल मार रहे रे? एक बार मैंने किसी को प्रार्थना के लिए बुलाया स्टेज पर. नीचे आराम से बात कर रहा था, मैं मैंगलोर का हूँ, ओके, नीचे बात कर रहा था आराम से, कैसा है तू, किधर से आया, कैसे, सब आराम से बात कर रहा था. ऊपर आया ना इन किंग जी, फादर गॉड वी थैंक दी. मैं बोला तेरे मुंह को क्या हो गया रे? नीचे से अच्छा बात कर रहा था, स्टाइल में क्यों बात कर रहा है? किंग जेम्स, प्रभु किंग जेम्स नहीं है, भारतीय है. हालेलुया. कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह यूके में नहीं रहता था, यीशु मसीह अरब रहता. कितने लोग जानते हैं? बाजू वाले को बोले स्टाइल मारना छोड़ दे, जोर से बाजू वाले दूसरे को बोले, अगर तुम्हारा बाजू वाला थोड़ा स्टाइल अकड़ के बैठा है, बोले जा रहे तू. हालेलुया. स्टाइल मारना छोड़ दे. मराठी मध्ये एक म्हण आहे, जब कुत्रा पाठी लागतो सगळी स्टाइल विसरून जाते. मराठी में कहावत है कि जब कुत्ता पीछे लगता है ना तो सारे स्टाइल भूल जाते हैं. बोला बाजू वाले को बोलो स्टाइल छोड़ दे, अपने बड़ों से को बोलो स्टाइल छोड़ दो. आज जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, स्टाइल छोड़ दे, स्टाइल छोड़ दे. ऐसा ऐसा सब खड़ा छोड़ दे. सीधा हाथ उठाओ, आंखों में आंसू आए तो आंसू आने दो, गिड़गिड़ाने दो गिड़गिड़ा, लेकिन आज बारिश आके रहेगी. Somebody say hallelujah. कोई कहेगा hallelujah. Stand up, stand up, stand up. खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. Stand up, stand up. खड़े हो जाइए सभी लोग. Stand up, 10 seconds. Lift your hand. जितने जोर से आप प्रार्थना कर सकते, जितने जोर से उसकी स्तुति कर सकते हो, उसकी स्तुति करो. आपको स्तुति कर सिखाने की जरूरत नहीं. ऐसे मत खड़े रहो, ऐसे मत खड़े रहो. Hallelujah. कहीं ना हाथ ऐसे अकड़ के न रह जाए. फिर अपने हाथों को उठाइए प्लीज. सभी लोग अपने हाथ उठाएंगे. The Bible says lifting up holy hands. बाइबल कहते हैं अपने पवित्र हाथों को उठाओ. पवित्र आत्मा आ. Hallelujah. Lift your hands and shout hallelujah. अपने हाथों को चिल्लाइए hallelujah. अपने हाथों को उठाकर बोले पवित्र आत्मा आ. अपने हाथों को उठाकर बोले पवित्र आत्मा आ. Lift both your hands, lift both your hands, lift both your hands. दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए. Say go God. बोले हे परमेश्वर. Forgive me, O God. मुझे क्षमा कर प्रभु. But you are God. तू परमेश्वर है. I worship you. मैं तेरी आराधना करता हूं. I honor you. मैं तेरा सम्मान करता हूं. Come on, lift your hands. You are the King of Kings. अपने हाथों को उठाइए, राजाओं का राजा है. You are the Lord of Lords. तू प्रभु का प्रभु है. Lift your hand, lift your hand, lift your hand. उठाइए अपने हाथों को. Open your mouth, open your mouth. अपना मुंह खोलिए, अपना मुंह खोलिए. And shout Jesus. चिल्लाओ यीशु. I want to know you, Jesus. यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूँ. I want to grow knowing you, O God. मैं तुझे जानते हुए बढ़ना चाहता हूँ प्रभु. अपने हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ. अपने हाथों उठाकर बोलिए प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ. मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे खुदा. मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदा. मेरे आत्मिक कानों को खोल दे खुदा. मेरे आत्मिक कानों को खोल दे खुदा. ताकि मैं तुझसे और करीबी रीति से जानूं. ताकि मैं तुझे और करीबी रीति से जानूं. Lift your hand and say I love you Lord. अपने हाथ उठाकर बोलिए प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं. Somebody say I love you Lord. कोई कहेगा प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं. You don't need a man's love. You don't need a woman's love. You need the love of the Lord. आपको किसी मर्द किसी औरत के प्यार की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु के प्यार की जरूरत है. पहले प्यार के पास वापस आ जाइए. कितने लोग वापस आ रहे हैं? अपने हाथों को उठाकर बोलिए. अपने पहले प्यार के पास वापस आ जाइए. कितने लोग आ रहे हैं वापस? अपने हाथ उठाकर बोलिए. आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं. होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, प्लीज रिवील जीसस टू योर पीपल. मेहरबानी करके तेरे लोगों पर यीशु को जाहिर कर दे. टर्न योर पीपल टुवर्ड्स यू. तेरे लोगों को तेरी ओर मोड़ दे. अपने हाथों को उठाकर बोलिए. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करने सिखा. मुझे प्रार्थना करना सिखा. मुझे प्रार्थना करने सिखा. मुझे प्रार्थना करना सिखा. Everybody lift your hands. सभी लोग अपना हाथ उठाइए. And say Lord teach me to pray. और बोलिए प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा.
teach me to pray. मुझे प्रार्थना करना सिखा. Every single day of my life. मेरी जिंदगी के हर एक दिन में. I don't want to be busy. I want to be close to you, oh God. मैं ज्यादा व्यस्त नहीं होना चाहता प्रभु, मैं आपके नजदीक रहना चाहता हूँ. I want to do what you tell me to do, oh God. मैं वो करना चाहता हूँ प्रभु जो तू कहता है कि मैं करूँ. Come on, lift your hands and say, Holy Spirit. और अपने हाथ उठाकर कहेगी पवित्र आत्मा. Lift your hands and say, Father. अपने हाथ ऊपर उठाके बोलो पिता. I turn to you today. मैं आज तेरी ओर मुड़ जाता हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Let your spirit move upon my family. Let your spirit move upon my church today. होने दे तेरी आत्मा मंडराए मेरे परिवार पर, तेरा आत्मा मंडराए मेरी खलीसिया पर आज. कितने लोग अपने हाथों को उठाकर ये प्रार्थना तीन बार दोहरा सकते हैं, तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी खलीसिया पर आने दे. जोर से कहे इस वक्त. अपने हाथों को उठाकर बोलिए, तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर, मेरे परिवार, मेरी खलीसिया पर आने दे. जोर से बोलिए. योर चर्च इज ग्रोइंग. आपकी खलीसिया बढ़ रही है. योर मिनिस्ट्री इज ग्रोइंग. आपकी सेवकाई बढ़ रही है. योर फैमिली इज चेंजिंग. आपका परिवार बदल रहा है. आई टेल यू इन जीसस नेम. मैं कहना चाहता हूं यीशु के नाम. इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम में. हर एक शैतानी ताकत. हर एक शैतानी ताकत है जो तुम्हारे विरोध है. जो तुम्हारे विरोध में है वो तू जाए. तू जाए. कम आउट इन जीसस नेम. बाहर आओ यीशु के नाम में. इन जीसस नेम. यीशु के नाम में. हर एक ऐसी शक्ति. हर एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें यीशु में आगे बढ़ने से रोकती है वो इस वक्त उखाड़ दी जाए यीशु के नाम. जो तुम्हें यीशु मसीह में आगे बढ़ने से रोकती है वो इस वक्त उखाड़ दी जाए यीशु के नाम. लिफ्ट योर हैंड. लिफ्ट योर हैंड. लिफ्ट योर हैंड. हाथ उठाओ. उठा अपने हाथों को. एंड से लॉर्ड आई लव यू. बोलो प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं. लिफ्ट योर हैंड स्ट्रेट एंड से आई लव यू. अपना सिर ऊपर उठा. बोलो प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं. से फॉरगिव मी ओ गॉड. बोलो मुझे क्षमा कर प्रभु. आई हैव नॉट गिवन यू इनफ टाइम. मैंने तुझे पर्याप्त समय नहीं दिया. चेंज माय लाइफ टुडे. आज मेरी जिंदगी बदल दे. There's a girl called Arya. Arya, God is touching you. व्यक्ति यहाँ पर Arya, Arya, परमेश्वर को छू रहा है. Evil powers are leaving people right now. शैतानी शक्ति लोगों में से निकल रही है. Evil powers are leaving people right now. शैतानी शक्ति लोगों में से निकल रही है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Evil powers leaving Jesus. शैतानी शक्ति निकल जाओ यीशु के नाम में. Lift your hands. अपने हाथ उठाइए. And say, Heal me, O God. और बोलो मुझे चंगा कर प्रभु. Heal my mind. मेरे दिमाग को चंगा कर. Heal my body. मेरे शरीर को चंगा कर. Heal my relationships. मेरे संबंधों को चंगा कर दे. Heal me, O God. मुझे चंगा कर प्रभु. How many of you want healing this evening? Lift your hands. Okay, देखो इस शाम चंगाई चाहिए. अपना हाथ उठाइए. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. जब बारिश होती है. जब बारिश होती है. तो ज़मीन उत्तर देता है. वो तो उत्तर देती है. और उस ज़मीन से फल निकलता है. Just worship Him. बस उसकी आराधना करो. I say, love you, Lord. अब बोलो प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ. Amen. Amen. Can we give Jesus a big hand? Hallelujah. Hallelujah.